बॉबी जेएमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का जिक्र क्यों किया? क्यों ये कहा कि अयोध्या में दिवाली मनाने से किसने रोका? कौन से दिवाली की वो बात कर रहे हैं? क्या राम मंदिर में भी इसका कहीं ना कहीं संकेत था? देखिए आगे क्या कहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। जैसा कि देखा आपने पीएम मोदी ने क्या कहा, सरकार को ताकत देने की दिशा में काम करना होगा, देश को नई ऊंचाई की दिशा में ले जाना होगा। काशी के विश्व रूप ने पूरे देश को प्रभावित किया था। देश के लिए भले ही पीएम हूँ, लेकिन काशी के लिए एक कार्यकर्ता हूँ। काशी ने जो शक्ति दी है, ऐसा सौभाग्य मिलना मुश्किल है। जनता ने चुनाव को जय पराजय के तराजू पर नहीं तोला। काशी का हर कार्यकर्ता पूरे नंबर से पास हुआ है। जनता का आशीर्वाद मेरे लिए अनोखा अनुभव है। यूपी देश की राजनीति को दिशा दे रहा है। यूपी में जीत की हैट्रिक लगी। और तो और पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राजनीतिक पंडितों को दोबारा सोचना होगा। पारदर्शिता और परिश्रम से हर जीत मुमकिन है। सरकार और संगठन के बीच तालमेल बड़ी ताकत है। सरकार नीति बनाती है, संगठन रणनीति बनाता है। नीति और रणनीति तालमेल का परिणाम है। हम विरासत और विजन को साथ लेकर चलते हैं। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।